जैसे आपको पता ही है कि हम यहाँ पे लर्नर लाइसेंस के लिए जो हैं वो उसके सेट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं क्वेश्चन और आंसर के लिए। तो चलो चलते हैं इसमें। आज हमारे पास है सेट नंबर 6 जो है 126 से लेके 150 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें है जो 126 वो है द साइन रिप्रेजेंट्स। अब देखो आप पहले तो इसमें ये देखो कि हमने पहले वही ट्राइंगल बना हुआ है और इसमें एक अंदर थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है। इसमें ये देखो पहले यहाँ पे नैरो है और आगे जाके वाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले रोड जो है वो आगे जाके थोड़ा चौड़ा हो रहा है। आंसर हमारा 3 है, रोड वाइडन्स अहेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रास्ता है जो रोड है वो आगे चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 127, पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग प्लेस। अब देखो इनमें से कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पार्किंग की मनाही होती है। आंसर हमारा 1 है, ब्लॉकिंग ए फायर हाइड्रेंट। अब ये देखो यहाँ पे जो फायर हाइड्रेंट होता है ये कुछ लोगों के लिए एक नई बात है ये, बट मैं बता देता हूँ इसको। जैसे भी कोई सिटी, अच्छे वाले जो सिटी हैं जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनके अंदर ये सब होता है। फायर हाइड्रेंट एक ना एक्सटेंशन होती है वाटर पाइपलाइन की, ताकि जो फायर ब्रिगेड होती है अगर उसको कहीं ज़रूरत पड़े किसी ऐसी जगह पर तो वहाँ से वो पानी ले लेती है और जो कहीं पे आग लगी हो तो उसको बुझाने का काम आती है। तो फायर हाइड्रेंट, पार्किंग इज़ प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्किंग की मनाही होती है किस जगह पे, हमने जो फायर हाइड्रेंट है उसके सामने उसके आसपास गाड़ी को पार्क नहीं करना है। इनकेस अगर ज़रूरत पड़े फायर ब्रिगेडर को पानी लेने की वहाँ से उस पॉइंट पे, तो वो आसानी से पानी ले सके, तो इसकी मनाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128, द साइन रिप्रेजेंट्स। अभी देखो ये जो साइन है ये किस चीज़ को दर्शाता है, एक ट्रायंगल बना हुआ है उसके बीच में जो ये फिगर है इस पर आप ध्यान दो थोड़ा सा। ये जो फिगर है ना इस पर ये रोड बना हुआ है। अब देखो एक लेफ्ट साइड में एक इधर लेन है एक इधर लेन है, और बीच में ये जो डार्क डार्क पार्ट नज़र आ रहा है ये क्या है, ये यहाँ पे हो सकता है जैसे कि फ्लावर बेड भी हो सकते हैं ये, और जैसे फूलों की क्यारी या पेड़ वगैरह लगे हों इसमें, और ये बीच में ये क्रॉसिंग भी है यहाँ पे रोड की, तो आपने इसका ध्यान देना है। तो हमारा आंसर है 3, गैप इन मीडियन। तो मतलब क्या हुआ कि बीच में जो है रोड के बीच में एक गैप है और वहाँ पर जगह है, तो दोनों तरफ रोड है, ये आपको मिल जाएंगे नेशनल हाईवे पे मिल जाएंगे, सिटीज़ के बीच में मिल जाते हैं रोड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 129, टू कैरी पिलो राइडर ऑन ए मोटरसाइकिल। अब ये देखो पिलो राइडर क्या होता है, जो पिलो राइडर वर्ड है ये होता है कि जो सवारी होती है हमारे साथ बैठी होती है, कोई भी हो वो मैन और वुमन कोई भी हो सकती है, आदमी और औरत कोई भी हो सकती है, तो उसको पिलो राइडर बोलते हैं मोटरसाइकिल पर। तो वो क्या होता है, आंसर हमारा 1 है, द व्हीकल शैल बी प्रोवाइडेड विद फुट रेस्ट हैंड ग्रिप एंड सारी गोर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो व्हीकल है जो भी कोई भी व्हीकल है या मोटरसाइकिल है या टू व्हीलर है तो उसको सेल भी प्रोवाइडेड, अब ये होना चाहिए वहाँ पे सुरक्षा की ये चीज़ें हैं जो हैं, फुट रेस्ट होना चाहिए एक तो जो पिछले वाली सवारी है उसको बैठने के लिए, उसको ताकि वो पैर आसानी से रख सके, फुट रेस्ट होना चाहिए वहाँ पे, हैंड ग्रिप होना चाहिए पकड़ने के लिए, जैसे कि जो मोटरसाइकिल पे स्टैंड होता है साइड में तो वो पकड़ने के लिए भी होता है, एक सारी गार्ड, एक प्रकार की जाली सी लगी होती है, आपने देखा होगा जो बाइक्स होती हैं उनके साइड में एक जाली लगी होती है, तो ताकि उसमें जो व्हील है पिछला उसके अंदर कोई कपड़े वगैरह ना उलझ जाए जो पीछे बैठा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 130, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब देखो ये साइन क्या दर्शाता है, ट्राइंगल बना है और उसमें एक ब्लैक सपाट और थोड़े थोड़े इसमें देखो ये ऊंचे ऊंचे ढलाने से बनी हुई है, तो आंसर हमारा 1 है, हम्प और रफ रोड। इसका मतलब क्या हुआ, हम्प होता है बेसिकली कुबड़ को बोलते हैं हम्प, लेकिन यहाँ हम इसका मतलब लेंगे एक गोलाई में ऊंचा नीचा रास्ता, ये एक रफ है काफ़ी ऊंचा नीचा टूटा हुआ रोड भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 131, स्मोकिंग वाइल ड्राइविंग पब्लिक सर्विस व्हीकल, पब्लिक सर्विस व्हीकल। अब ये कहता है कि स्मोकिंग धूम्रपान जो करना है, जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी वगैरह पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जो वाइल्ड ड्राइविंग पब्लिक सर्विस व्हीकल, कोई भी जो एक जो पब्लिक सर्विस कोई गाड़ी है उसको चलाना ये धूम्रपान करते हुए, ये सब क्या है, इसको क्या है, आंसर 1 है, कैन अट्रैक्ट सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये देखो ये सवाल थोड़ा सा अप्लाई होता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अगर वो ये सब करते हैं रूल के मुताबिक, पब्लिक सर्विस का जो व्हीकल है उसको चलाते हैं, तो दे आर सब्जेक्टेड टू, उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है और फाइन भी हो सकता है उनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है और इसके बीच में ये देखो क्या है,
यहाँ पे एक बार सी है, इधर वेट है। तो ये क्या लग रहा है आपको? ये देखने में ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि ये बैरियर होता है जो रेलवे ट्रैक पे या फाटक के ऊपर कहीं बैरियर लगा होता है, वही लग रहा है ये देखने में। आंसर वन, बैरियर अहेड, तो आगे बैरियर है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज 133, अबंडनिंग व्हीकल इन ए पब्लिक प्लेस कोजिंग इन इनकन्वीनियंस टू अदर्स और पैसेंजर्स। अब देखो जैसे कि कोई पब्लिक प्लेस पे हम कोई गाड़ी ऐसे ही छोड़ देते हैं और जिससे लोगों को आने जाने में बाधा हो रही है, उनको परेशानी हो रही है, जो यात्री हैं उनको परेशानी हो रही है, तो वो क्या होता है? आंसर वन, ड्राइविंग लाइसेंस इज लाइबल टू बी सस्पेंडेड और कैंसल्ड। अब जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आप ऐसा करते हो, वो लाइबल है, आपका सस्पेंड हो सकता है और उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज 131, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो ये जो चिन्ह है किस चीज़ को दर्शाता है। अब एक स्क्वेयर बना हुआ है ब्लू कलर का और उसमें इधर ये टी बना हुआ है, इस लेफ्ट साइड में है, तो अब ये टी है, ये रोड है बेसिकली, और इधर लेफ्ट की तरफ भी रोड निकल रहा है, और आगे ये जो कलर्ड पार्ट है, ये पिंकिस वाला पार्ट जो है, यहाँ इससे आगे रास्ता नहीं है। आंसर वन, नो नो थ्रो साइड रोड। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड में आगे रोड है वो नहीं है, नहीं जाने के लिए वहाँ पर रास्ता नहीं है। नेक्स्ट चीज 135, अब इसमें क्या कहता है कि अबंडनिंग ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। अब ये कहता है कि अगर हम कोई जैसे कि हम कोई ट्रांसपोर्ट जो यातायात के कोई गाड़ियां हैं जैसे ट्रक वगैरह हो गए, तो अगर हम उसको कहीं पे किसी प्रोटेस्ट करनी है, वहाँ पे किसी का विरोध करना है, उसके तौर पे हम गाड़ियां खड़ी कर देते हैं वहाँ पे, जैसे ट्रक को लगा दिया कहीं पे, एजिटेशन है, कहीं धरना देना है, एनी काइंड ऑफ स्ट्राइक है, कोई भी किसी भी प्रकार की हड़ताल करनी है, जैसे ये हमारी जो ट्रक यूनियंस हैं, किसान यूनियंस हैं और दूसरे भी जो स्ट्राइक्स करते हैं जीटी रोड पे, कई बार ये क्या करते हैं गाड़ियां आमने सामने लगा देते हैं, तो ये वो वाली सिचुएशन बता रहा है। तो इन्हें पब्लिक प्लेस, और कोई भी जो एक पब्लिक प्लेस होता है जैसे कि जहाँ पे सब लोग आराम से जा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो पब्लिक प्लेस होते हैं, और इन एनी अदर प्लेस कोजिंग ऑब्स्ट्रक्शन और इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक एंड पैसेंजर्स और अदर यूजर्स ऑफ सच प्लेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे अगर हम गाड़ियां छोड़ देते हैं कहीं जिससे किसी को परेशानी हो, किसी पब्लिक को परेशानी हो, खासकर ये स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं इसमें होता है, तो इसमें क्या है कि हमारा आंसर है वन, द ड्राइविंग लाइसेंस इज लाइबल टू बी सस्पेंडेड और कैंसल, द सेम सिचुएशन इज हियर आल्सो, एंड योर ड्राइविंग लाइसेंस इज सब्जेक्टेड टू कैंसल। आपका सस्पेंड भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, उसको रद्द भी किया जा सकता है अगर आपने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 136, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब देखो इसमें क्या है, अभी पहले भी आया था वही, स्क्वायर है, ब्लू कलर है, तो इसमें हमने देखा ये वाइट वाला रोड है और जो ये पिंकिस वाला ये दिख रहा है, ये यहाँ से रास्ता नहीं है, ये बंद है इधर रास्ता। आंसर थ्री, नो थ्रो रोड, इसका मतलब आगे रास्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137, कैरिंग ओवरलोड इन गुड्स कैरेज। अब ये देखो जो गुड्स कैरेज होता है, कोई भी सामान ढोने वाला कुछ भी होता है, अगर ओवरलोड लेके जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्या हो सकता है आपके साथ? आंसर थ्री, कैन अट्रैक्ट सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ होता है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी जो गाड़ी है, जितना उसके जो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके कागज़ हैं, जो उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर वो ओवरवेट उठाता है उसे, तो अट्रैक्ट सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल भी हो सकता है और सस्पेंड भी हो सकता है उसको। ये सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ओवरलोड एक रिस्क होता है। सपोज करो एक गाड़ी है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 10 क्विंटल, और अगर उसने उसके ऊपर 15 क्विंटल लगा लिया, तो रोड पर जब वो चलेगी हो सकता है उससे वो किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकरा जाए या किसी पब्लिक को, इसलिए सब ये होता है। नेक्स्ट इज 138, द साइन रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो, पी फॉर पार्किंग हियर, एंड जो एरो है वो लेफ्ट और राइट की तरफ जा रहा है दोनों तरफ, तो अभी आपने क्या देखना है इसमें, ये पार्किंग हो गया और दोनों तरफ है एरो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पार्किंग जो है लेफ्ट और राइट है कुछ कुछ। अब ये देखो आंसर हमारा सेकंड, पार्किंग बोथ साइड्स, सिंपल है बिल्कुल, एरो ने हमें बता दिया लेफ्ट और राइट और पी फॉर पार्किंग, तो फिगर से ही हमने आंसर का अंदाज़ा लगा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 139, द ड्राइवर ऑफ ए टैक्सी रिफ्यूजिंग टू ऑफर फॉर ए जर्नी बिकॉज द डिस्टेंस इज शॉर्ट। अगर कोई टैक्सी का जो है ड्राइवर जो है, उसका चालक जो है, वो मना करता है कि मैं आपके साथ जर्नी पे नहीं जाऊंगा बिकॉज द डिस्टेंस इज शॉर्ट, तो ये भी क्या है एक प्रकार का, कैन अट्रैक्ट सस्पेंशन कैंसलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये अगर कोई उसकी शिकायत कर देता है, कंप्लेन करता है कि ऐसे ऐसे करके, तो
ये उसके लिए रिस्की हो सकता है लाइसेंस के लिए, उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 140 जो है हमारा 140, द साइन रिप्रेजेंट्स फिर पी, फिर वही पी लगा हुआ है और इसके नीचे देखो एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड में क्या है, एक इसमें टू व्हीलर नज़र आ रहा है बोर्ड के अंदर, तो हमें इसी फिगर से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये पार्किंग है इस टू व्हीलर के लिए। आंसर वन, पार्किंग लॉट स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, ये मोटरसाइकिल जो है और स्कूटर है उनके लिए एक पार्किंग का जो ये स्थान है, लॉट होता है स्थान जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 141, When you reach an intersection where there is no signal light and policeman and you will, अब ये कहते हो कि अगर आप किसी कैसे इंटरसेक्शन पे पहुँचते हो, कहीं पे रोड काट रहे हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ना तो कोई लाइट वाला सिग्नल लगा हुआ है, जैसे रेड लाइट्स वगैरह नहीं है वहाँ पे, और ना ही वहाँ पे कोई पुलिस का आदमी खड़ा है, ट्रैफिक पुलिस का आदमी कोई है नहीं वहाँ पे, तो आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे? आंसर थ्री है हमारा, गिव वे टू द ट्रैफिक अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन ऑन योर राइट साइड। अब ये देखो, अब ये कहता है कि आपने रास्ता देना है जो भी ट्रैफिक आपकी तरफ आ रही है इंटरसेक्शन पर, दूसरी साइड से, दाईं साइड से आ रही है, एंड प्रोसीड आफ्टर गिविंग नेसेसरी सिग्नल्स। इसका मतलब कहने का ये हुआ, अगर वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है जो आपकी राइट साइड से ट्रैफिक आ रही है, पहले उसको निकले दो और उसके बाद कहता है कि प्रोसीड आफ्टर गिविंग नेसेसरी सिग्नल्स, ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप प्रॉपर एक सिग्नल दे के फिर आपने इंटरसेक्शन को क्रॉस करना है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप कहीं पर ट्रैफिक लाइट नहीं होती तो, और कोई भी पुलिस का आदमी या फिर ट्रैफिक पुलिस का कोई आदमी नहीं होता, तो आपने ये सब फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 142, द साइन रिप्रेजेंट्स, आप फिर देखो इसमें फिगर में क्या, यहाँ पे जो पिक्चर लगी हुई है पी है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे वही सेम बोर्ड है और इसमें गाड़ी छपी हुई है इस बार, इसका मतलब ये गाड़ी के लिए कोई पार्किंग है। आंसर टू, पार्किंग लॉट टैक्सीज, अभी टैक्सीज में कोई भी आ जाता है, पर्सनल कार भी आ जाती हैं इसमें और टैक्सी वो भी आ जाती हैं, तो वही पार्किंग की जगह आई उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 143, व्हेन यू आर अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन वेयर द येलो सिग्नल लाइट इज ब्लिंकिंग यू शुड, अब ये देखो यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है, व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू एन इंटरसेक्शन, ठीक है कोई भी इंटरसेक्शन है रोड के ऊपर, आप वहाँ पहुँचने वाले हो और जहाँ पे क्या मिला आपको, वेयर द येलो सिग्नल लाइट इज ब्लिंकिंग, जहाँ पे पीले रंग की जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक होता है आपको पता ही होगा, कभी वो बंद हो रही है, कभी जल रही है, ऐसे करके ब्लिंकिंग कर रही है वो, तो यू शुड, आपको क्या करना चाहिए? आंसर थ्री, स्लो डाउन द व्हीकल एंड प्रोसीड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट इट इज सेफ टू डू सो। इसका मतलब ये हुआ, आप अपना जो व्हीकल है, अपनी गाड़ी है, जो व्हीलर है आपका, टू व्हीलर जो भी हो सकता है, थ्री व्हीलर, वट एवर इट इज़, सो आपने क्या करना है, उसको धीरे कर लेना है वहाँ पे, अगर यहाँ पे येलो लाइट है, प्रोसीड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दैट इट इज़ सेफ टू डू सो। और आप आगे तभी बढ़ोगे जब आपको ये लगेगा कि हाँ ये सेफ है आगे बढ़ने के लिए, मतलब आपके आजू बाजू में देख के, तो ये आप श्योर करो कि हाँ कोई दूसरी गाड़ी वगैरह नहीं आ रही है, तो तब आपने आगे निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144, द साइन रिप्रेजेंट्स, अब देखो यहाँ पे क्या है, वही पार्किंग है और इस बार क्या छपा हुआ है, थ्री व्हीलर है, तो अब ये थ्री व्हीलर नज़र आ रहा है तो पार्किंग है उसके लिए। अब ऑप्शन सेकंड, पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शा, अब ये ऑटो होती है जो किराए वाले होते हैं, थ्री व्हीलर्स होते हैं, तो ये इनके लिए पार्किंग की जगह है, ये साइन उनका बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, वेयर द रोड इज मार्क्ड विद कॉन्टीन्यूस येलो लाइन द व्हीकल शुड, अब ये देखो आपको ये जो है कॉन्टीन्यूस येलो लाइन, आपने इसका ध्यान रखना है, कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस का मतलब एक ऐसी लाइन होती है जिसमें बीच में बिल्कुल डॉट नहीं होते, आपने देखा होगा ये रोड के ऊपर लगी होती है येलो लाइन अगर जो है, तो हम इसको क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है कि येलो लाइन इसको हम क्रॉस नहीं करते, ये कॉन्टीन्यू दो होती हैं, एक होती है डॉटेड लाइन, एक होती है कॉन्टीन्यूस लाइन। डॉटेड लाइन जो होती है उसको हम कुछ सिचुएशंस में रूल के मुताबिक हम क्रॉस कर सकते हैं, बट जो कॉन्टीन्यूस लाइन होती है उसको नहीं करते हम। कॉन्टीन्यूस येलो लाइन द व्हीकल शुड, अब जहाँ पे रोड पे येलो लाइन मार्क होती है तो आपको क्या करना चाहिए? आंसर वन, नॉट टच और क्रॉस द येलो लाइन, हाँ, क्योंकि इसको ना तो आपने छूना है और ना ही आपने इसको क्रॉस करना है, मतलब कहने का ये कि जब आप गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, इसके ऊपर नहीं लेके जाना, इसके पास भी नहीं जाना है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आप इसको हम क्यों नहीं क्रॉस कर सकते। बेसिकली सपोज करो एक 20 फीट का रोड है, बहुत बड़ा 20 फीट का जो चौड़ा एक रोड है, और उसको हम एक कॉन्टीन्यूस लाइन से जो है ट्रैफिक रूल के मुताबिक उसको डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, तो कॉन्टीन्यूस जो लाइन होती है उस रोड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हम क्या होता है, एक पार्ट्स होता है एक लेन में
इनकमिंग होती है ट्रैफिक की, दूसरी लेन में आउटगोइंग होती है, एक से आ रही है एक से जा रही है ट्रैफिक, तो इसलिए हम उस लाइन को क्रॉस नहीं करते, ये इसका रीज़न है, कंटीन्यूअस लाइन को क्रॉस नहीं करने का रीज़न ये होता है। ये सिटीज़ में कुछ जगह पर ये वाइट भी होती है और जीटी रोड पे कहीं जगह पे येलो भी होती है, तो आपने ये ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो ये सिग्नल है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आंसर पढ़ने से पहले तो हम ना ये जो गाड़ी बनी हुई है हम इसको अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले तो देखा उसने हैंड को, जो ड्राइवर बैठा उसने हैंड बाहर निकाला हुआ है, और सेकेंड थिंग जो है राइट का इंडिकेटर हो रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये राइट मुड़ रहा है, कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता रहेगा। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सेकंड है हमारा इंटेंट्स टू टर्न राइट। अब उसकी जो है मनसा, उसकी इच्छा है कि वो उसके, हमें ये लग रहा है कि जो मुड़ने वाला है, जो हमारे से आगे वाली गाड़ी है वो राइट की तरफ दाएं की तरफ मुड़ने वाली है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमने अंदाज़ा यहीं से लगा लिया इंडिकेटर और उसके हैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147, While you are driving on gradient roads, अब ये एक छोटा सा वर्ड है gradient roads, you should, जब आप चला रहे हो गाड़ी को एक gradient roads के ऊपर, gradient roads होते हैं पहाड़ी इलाके में जहाँ पे slopes होते हैं, स्टीपनेस होती है, एकदम नीचे उतर रहा है रोड, फिर एकदम ऊपर चढ़ रहा है, फिर नीचे उतर रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड। सेकेंड ऑप्शन इज गिव प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस होता है प्राथमिकता, गिव प्रेसिडेंस टू द व्हीकल्स गोइंग अप द हिल। अब ये देखो कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि हमें उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उन वाहनों को जो गोइंग अप द हिल, जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, ये क्यों कहता है कि उनको हमको, क्योंकि देखो जो वहाँ पे स्टीपनेस होती है ना, जो स्टीपनेस है, एकदम गाड़ी नीचे जा रही है फिर ऊपर चढ़ रही है, जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है ना तो स्लो चढ़ती है, और जब गाड़ी नीचे उतरती है पहाड़ी इलाके में तो एकदम उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, तो हम प्राथमिकता देते हैं कि जो पहले ऊपर चढ़ रहे हैं उनको इसमें, तो आपने ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 148, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो इसको, अब हम आंसर चाहे नीचे भी ना भी पढ़ें तब भी हम इसका यहीं से पता लगा लेंगे सारा। सबसे पहले तो गाड़ी में देखो कि क्या रखा है, एक तो इंडिकेटर है जो लेफ्ट का रखा है, ड्राइवर इधर बैठा है और ड्राइवर में जो ये हाथ घुमा रहा है वो, उसमें एरो देखो कैसे घुमा रहा है वो, यूँ जा रहे हैं यूँ, ठीक है, उसका हाथ देखो कैसे घूम रहा है एरो, तो इससे लगा के अब आंसर क्या हुआ हमारा, ये मुड़ना चाहता है, इंडिकेटर लेफ्ट दे रखा है, अब वंस आंसर वन है, इंटेंट्स टू टर्न लेफ्ट, ये बाईं तरफ मुड़ना चाह रहा है, तो हमने ये अंदाजा लगा लिया। तो हम अपनी गाड़ी को उसी हिसाब से हम डायरेक्शन में लेंगे क्योंकि हमारे सामने वाली जो गाड़ी है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 149, द ड्राइवर ऑफ ए ट्रैक्टर सेल नॉट कैरी। अब ये जो ट्रैक्टर होते हैं खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने देखे होंगे जो ट्रैक्टर होते हैं, उसका जो ड्राइवर है उसको क्या कैरी नहीं करना चाहिए अपने साथ, क्योंकि ट्रैक्टर जो होता है बेसिकली उसके एक ही सीट होती है, तो दूसरे पैसेंजर बैठने के लिए उसके पास कोई इतना बड़ा नहीं होती, जगह नहीं होती मडगार्ड के ऊपर बैठ के, रिस्की होता है, बैठते तो हैं लोग बट रिस्की होता है, तो ट्रैफिक रूल के मुताबिक जो होता है कि ड्राइवर ऑफ ए ट्रैक्टर सेल नॉट कैरी, उसको किस चीज़ को नहीं कैरी करना चाहिए, आंसर हमारा वन है, एनी पर्सन अदर देन द ड्राइवर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रैक्टर है उस पर सिर्फ ड्राइवर ही चलेगा, ना कि कोई और पर्सन, उसको बिठाना नहीं है वहाँ पे, रिस्क होता है, गिर गए तो आपको जान भी जा सकती है, तो इसलिए ये नहीं करते, रूल के मुताबिक ट्रैक्टर पे सिर्फ ड्राइवर ही चलेगा। तो हमारा 150th क्वेश्चन जो है, द सिग्नल रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, कि क्या इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इसको क्या दर्शाता है ये। अब ये देखो ड्राइवर बैठा है, इस बार कोई इंडिकेटर नहीं है बट उसके जो हैंड की डायरेक्शन है एरो एक नीचे जा रहा है ऊपर जा, इट मीन्स वो वेव कर रहा है ऊपर नीचे है उसका हैंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर थ्री इंटेंट्स टू स्लो डाउन द व्हीकल। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइवर है जो हमारे फ्रंट में गाड़ी में चल रहा है वो हैंड की डायरेक्शन ऊपर नीचे कर रहा है, हथेली जमीन की तरफ है, तो वो अपनी गाड़ी को स्लो करना चाहता है। तो आपने ये समझ लिया, ये देख लिया। तो दोस्तों ये हमारे 150 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं और इसमें 6 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसको तैयार कीजिए और अपने इसको बार बार जब तक जो भी हफ्ता 10 दिन के लिए आप तैयार करते हो तैयार कीजिए, और उसके बाद आप अपने टेस्ट में अपीयर होइए, और उसके जो एक दो सेट और बचता है जो भी है उसको मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा और आपको के सामने ऐसे ही जैसे हमने आज किया ऐसे ही करेंगे, तो आप इसकी तैयारी कीजिए।